को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करेगा इन गर्मियों में। इन गर्मियों में हो रहे जितने भी प्रॉब्लम है इसे ये सॉल्व करता है। बस हफ्ते में एक से दो बार कर लिया ना, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार इस स्क्रब को कर लिया ना तो चेहरे से टैन चले जाएंगे। इन गर्मियों में चेहरा बिल्कुल क्लीन, डीप क्लीन हो जाएगा। चेहरे पे शाइन नहीं है, गंदगी है, मैल है, बिल्कुल चेहरा डल पड़ चुका है। तो इन गर्मियों में इस रेमेडी को एक बार जरूर अप्लाई करिएगा। हफ्ते में एक से दो बार भी कर लिया ना तो आप पूरे हफ्ते के लिए बिल्कुल सिक्योर फील करेंगी। आपके चेहरे पे या नोज के ऊपर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पसीना बहुत ज्यादा आता है, बिल्कुल चेहरे पे एनी टाइम लगता है ना कि चिपचिपा सा महसूस हो रहा है, तो इस स्क्रब को हफ्ते में दो बार जरूर करें। बहुत सिंपल सा है, बहुत जो इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रही हूँ वो आपके किचन में अवेलेबल है। अभी भी आप जाएंगे उठेंगे ना तो आप इजिली कर सकते हैं, मगर सिर्फ आपको दो मिनट देना है और चेहरे पे इन सारी प्रॉब्लम से आपको मिल जाएगा छुटकारा। चेहरे पे बहुत टाइम से मैल जमा हुआ है, टैन हो रखा है, गंदगी है, वो सारी चीजें को खींच करके निकाल लेता है ये रेमेडी। मैं तो हफ्ते में एक से दो बार जरूर करती हूँ और अपने स्किन पे कोई भी डेड सेल्स को नहीं रखती हूँ। चेहरे पे जितने भी शाइन है ना, मेरे चेहरे पे जो भी देख रहे हैं ना, कोई मेकअप का कमाल नहीं है, ये कमाल है बस इस रेमेडी का। मेरा फेवरेट रेमेडी है और मैं तो बता दूं कि मैं मार्केट में जाके कोई भी स्क्रब खरीदती नहीं हूँ। घर में जब नेचुरल चीजें अवेलेबल है तो बाहर क्यों जाना। चलिए बताते हैं कैसे करती हूँ मैं पूरे गर्मियों में स्क्रब, अपने चेहरे को कैसे करती हूँ क्लीन, कैसे टैन को हटाती हूँ, मैल को हटाती हूँ, गंदगी को हटाती हूँ अपने चेहरे से। तो अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको करना है एक छोटा सा काम, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है, प्रेस जरूर करिएगा, उससे आपको पता चलेगा रोजाना जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। रोजाना मैं कुछ नया लाती हूँ आपके लिए, आपके स्किन, आपके हेयर के लिए। तो आपने बस इतना छोटा सा काम कर लेना है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिलेगा लाइक एंड शेयर करिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले इस रेमेडी को पूरे प्रिपेयर करने के लिए, ये पूरा बेस्ड है किस पे, टोमेटो यानी कि टमाटर पे। आपको मीडियम साइज या स्मॉल साइज का टोमेटो ले लेना है, टमाटर ले लेना। आप सबको पता है कि टोमेटो में नेचुरल ब्लीच का काम करता है, इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं जो चेहरे को क्लीन करते हैं, डीप क्लीन करते हैं। चेहरे से दाग धब्बे बहुत टाइम से आपके चेहरे पे दाग धब्बे या फिर आपके स्मॉल पॉक्स, बिग पॉक्स, जो भी पॉक्स होते हैं ना उसके दाग धब्बे बहुत टाइम से हैं। तो आप अगर रेगुलर मैं बता दूं, एक दो दिन का असर नहीं होता है किसी भी चीज से, तो आपको अगर रेगुलर करेंगे ना तो उस तक के दाग तक धब्बे निशान को ये ठीक कर सकता है। तो टैन क्या चीज है, तो आपको क्या करना है, गर्मियों में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी मेरे चेहरे पे टैन हो चुका है, मैं कॉलेज कर लूं, मैं स्कूल गर्ल हूं। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, घर पे टमाटर सबके होते हैं ना, जाइए अभी फटाफट से उठिए, किचन में देखिए आपके पास होगा ही। आपको कैसे इस्तेमाल करना है चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, हाफ कट करना है, नाइफ की हेल्प से आपको कर लेना है कट। इसे देखिए मैं हाफ टोमेटो ले चुकी हूँ। मेरा जो टोमेटो है ना, मैं आपको बता दूं, आप जो भी टोमेटो इस्तेमाल करें बहुत टाइट मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा पल्पी भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और जब भी आप इस्तेमाल करेंगे उससे पहले आपको टोमेटो को इस तरीके से आपको कर देना है ताकि वो जो पल्प है ना इसके अच्छे से निकल जाए। आप एक कोई कंटेनर ले लीजिए, क्लीन कंटेनर, जिसकी वजह जो आपको थोड़ा मेसी ना हो, अगर गिरेगा भी तो इसी में गिरेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हल्का हल्का इस तरीके से कर लेना है। इसके बाद हमें इसमें क्या डालना है, तो सबसे पहले आपको जैसे टोमेटो ले लिया, उसके बाद आपने लेना है कॉफी पाउडर। यस फ्रेंड, कॉफी पाउडर सबके घर में अवेलेबल होता है। हम कॉफी पीते हैं बूस्ट करने के लिए, अपने एनर्जेटिक फील करने के लिए, अपने जब हमें नींद आती है तब हम कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उस तरीके से आपको अपने पूरे चेहरे को जगाना है ना तो कॉफी का इस्तेमाल जरूर करिए। ये टैन के लिए तो बेस्ट से भी बेस्ट है, टैन को ना खींच के निकाल लेता है, गंदगी मैल को खींच करके निकाल लेता है। तो आपको क्या करना है, एक से आधा चम्मच आपको कॉफी पाउडर लेना है अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी। अगर आपका फेस का एरिया बड़ा है या फिर आप नेक बैक, अच्छा मैं बता दूं जो रेमेडी मैं बताती हूँ वो नेक बैक पूरे फुल बॉडी के लिए भी होता है, तो मैं चेहरे पे बता देती हूँ। अगर आपने आपके चेहरे पे से ज्यादा आपके हैंड में, नेक में, बैक में, लेग में है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉफी एक चम्मच के बराबर अपने अकॉर्डिंग ले लिया है। जब आप कॉफी डालेंगे ना तो इसे थोड़ा सा आपको प्रेस करना है नीचे की तरफ। यस फ्रेंड, थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि उसके जो पल्प में ये थोड़ा सा भीग जाए। ये देखिए कैसे ये थोड़ा सा हो गया ना, आपको पूरा अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। ये देखिए कॉफी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। इसके बाद हम
थर्ड इंग्रेडिएंट जो डालने वाले हैं वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है हमारे स्किन के लिए, वो है सुगर। यस फ्रेंड, आपको लेना है छोटे दाने वाला सुगर। यस फ्रेंड, अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े दाने वाले सुगर है ना, तो आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ा सा उसको कूट लेंगे, दरदरा कर देंगे, ताकि आपके स्किन पे छिले नहीं। तो यहाँ पे मैं देखिए एक चम्मच जैसा, देखिए यहाँ पे मैंने एक चम्मच जैसा सुगर इसके ऊपर डाल दिया है। मेरा जो सुगर का साइज है ना, छोटे दानों वाला सुगर है, अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट डालेंगे। अब क्या हो गया, ये देखिए सुगर इसमें आ चला गया। आप इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे साइड में रख देंगे। अब बारी है चेहरे को क्लीन करने की। चलिए चेहरे को क्लीन करते हैं। कैसे करना है, कच्चे दूध से अपने स्किन को सबसे पहले क्लीन कर लीजिए, अच्छे से मसाज करते हुए अपने स्किन को क्लीन करिए। मैं हमेशा आती हूँ और कहती हूँ कि मैंने अपने स्किन पे कोई भी मेकअप नहीं किया एक्सेप्ट लिपस्टिक, बट आपको शायद यकीन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी मेकअप अपने स्किन पे नहीं किया है, मेरी नेचुरल स्किन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने अपने स्किन को क्लीन कर रखा है, आपने करना है, जरूरी करना है। ये नहीं कि आपने गंदगी स्किन में स्क्रब करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले क्लींजिंग कर लीजिए चेहरे पे। इसके बाद क्या करना है, अब ये 2 मिनट हो चुके थे तो मैंने इसे थोड़ा सा, देखिए ये मेल्टी टाइप का हो जाएगा, ये देखिए। अब क्या करना है, अब आपको इसे स्क्रब करना है इस तरीके से, हल्के हल्के हाथों से। ये देखिए आपको इस तरीके से स्क्रब कर लेना है। ये देखिए आपको हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना है। ये बहुत अच्छे से स्किन पे स्क्रब हो जाएगा और बेनिफिट्स तो मैं क्या ही बताऊं। आपको थोड़ा थोड़ा देर में क्या करना है, टोमेटो को प्रेस करके भी करते जाना है। इससे चेहरे पे ना क्या होगा, जो टोमेटो के पल्प लगेंगे ना, तो चेहरे पे सारी गंदगी मैल टैन जो है ना चला जाएगा चेहरे से। आपको इसे अच्छे से स्क्रब करना है। जहां पे बहुत ज्यादा आपको लगता है कि मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो चुके हैं, बहुत ज्यादा गंदगी मैल है, तो वहां पे आपको ज्यादा टाइम देना है। फिर से आपको क्या करना है, ये देखिए थोड़ा सुगर थोड़ा कॉफी आपके प्लेट में गिर जाए, फिर से आपको लेना है और फिर से आपको इसे स्क्रब करना है चेहरे पे। तो आप इसे जब करेंगे ना, आप ऐसी ड्रेस पहन के कर सकते हैं, मुझे सूट करना था तो इसलिए मैंने ऐसे ड्रेस पहना है, बट आप अपने जब आप करेंगे तो थोड़ा मैसी हो जाता है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इसे अपने अपने हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से कर लेना है। इससे चेहरे पे क्या ही ग्लो आएगा, मैं क्या ही बताऊं। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करेगा इन गर्मियों में। इन गर्मियों में हो रहे जितने भी प्रॉब्लम है इसे ये सॉल्व करता है। बस हफ्ते में 1 से 2 बार कर लिया ना, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, महंगे से महंगे पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे अच्छे तरीके से स्क्रब कर लिया है हमने। अब क्या करना है, इसे आपको 10 से 15 मिनट के लिए अपने स्किन पे छोड़ देना है। 10 to 15 minutes आपको छोड़ना ही छोड़ना है। इससे क्या होगा, कॉफी पैक जो कहते हैं ना, वो पैक का भी काम करेगा। कॉफी टमाटर ये आपके चेहरे को अच्छे से एकदम क्लीन कर देगा, चेहरे पे जितने भी गंदगी मैल है उसे ठीक कर देता है। तो हमारा जो है ना टोमेटो, देखिए बिल्कुल भी यूज हो चुका है। आपको पूरे पल्प को इस्तेमाल कर लेना है इस तरीके से, और बचे हुए पल्प को अपने चेहरे पे लगा करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। तो चलिए हमने तो लगा लिया है, अब इसे हाथों से फैला लेंगे अच्छे से और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देने वाले हैं। 15 मिनट्स इनफ है, 15 से 20 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं रखना है। तो चलिए मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद। यहाँ पे 15 मिनट्स हो गया था ओवर एंड मैंने अपने स्किन को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है। ये देख सकते हैं वॉश करने के बाद चेहरे पे इतना ज्यादा शाइन आ गया, चेहरा डीप क्लीन हो गया है, ट्रस्ट मी गाइस। तो आपको लेना है टॉवल और अपने फेस पे टैप 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 करना है और पूरे स्किन को कर लेना है ड्राई। ये देखिए चेहरा कितना क्लीन हो गया है, कोई भी आपको यहाँ पे गंदगी मैल नहीं नजर आ रही, और नोज तो मत ही पूछिए, पूरा जो कहते हैं ना सॉफ्ट हो गया है। आप जब नोज छूते हैं ना तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको खुदरा महसूस होगा, जब आप ये स्क्रब करके टच करेंगे ना उसके बाद आपको लगेगा कि कितना ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे अपने स्किन को कर लिया है बिल्कुल भी ड्राई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है। तो मैंने यहाँ पे एक सीरम बना रखा है गर्मियों के लिए, अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लीजिए। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में और आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ मिलाया है रोज वाटर,
और दिया है एलोवेरा जेल और थोड़ा सा विटामिन ई के कैप्सूल, और इस सीरम को मैं लगा रही हूँ और इसका बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपने यूज करना है इन गर्मियों में सीरम अपने स्किन के लिए, तो ये वीडियो जाकर के फटाफट से वॉच कर लीजिए, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने इसे बताया है, उसे अच्छे से आपका समझ में आएगा, क्वांटिटी के साथ मैंने बताया, फटाफट से जाकर के देख लीजिए। गर्मियों के लिए बहुत स्पेशल है, झाइया पिगमेंटेशन कालापन है जिसको, उसके लिए सीरम बहुत बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। तो क्या किया है मैंने, इसे लगा लिया है और 2 मिनट आपसे बातें करते रही हूँ जितने देर में मैंने यहाँ पे मसाज कर लिया है। मसाज करना मेरा बेस्ट पार्ट होता है क्योंकि इससे ना स्किन काफी रिलैक्स फील होती है, साथ ही साथ चेहरे पे ग्लो भी आता है। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए हैं कि कैसे आप हफ्ते में 1 से 2 बार इसे इस्तेमाल करके अपने स्किन को इतना हाइड्रेट, इतना ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बहुत सिंपल से स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं जिससे मेरा चेहरा इतना ग्लो करता है। और इससे रिलेटेड फिर भी आपको कोई भी कमेंट आ रहे हैं, मन में कोई भी थॉट आ रहे हैं, प्लीज वीडियो के जो भी वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में जो भी आपने देखा जिसके थ्रू आपको लगता है ये चीज मेरे पास नहीं है, ये इसको क्या कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो आप फटाफट से जाइए कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ लीजिए, मैं विद इन हाफ एन आवर आपको रिप्लाई करूंगी ही करूंगी, और वो लोग मुझसे एग्री करेंगे जो लोग मुझे कमेंट करते हैं। जी हाँ, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, और कोई भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए जरूर मुझसे पूछा कीजिए, मैं इसका रिप्लाई करती हूँ। अपना स्किन टाइप मेंशन करने साथ ही मेंशन जरूर करिए। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए रेमेडी को कैसे प्रिपेयर करना, एग्जीक्यूट करना है। 1515 सेवा में डेफिनेटली आप जाके कर सकते हैं। 20, 30, 40, 50, 60 लड़का लड़की जो भी है सारे लोग कर सकते हैं। घर की इंग्रेडिएंट है, नेचुरल है, बिल्कुल कोई भी इसमें केमिकल नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा एक बार करने से पहले, ये बहुत नेचुरल है, तो आप घर में जो चीज खाते हैं उसे लगा तो सकते ही है। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने स्किन का तो बिल्कुल ख्याल रखें। बाय।